हेलो एवरीवन, आज आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे कुछ अपने बारे में, कुछ यूट्यूब के बारे में। तो सबसे पहले यूट्यूब के बारे में बात कर लेते हैं। हमने अपना चैनल जो बनाया था वो किसी को देख के बनाया था, उनका नाम लेना चाहेंगे तो उनका नाम है देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा। उनको ही देख के हमने अपना चैनल बनाया था, स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगा जिस तरह से वो अपना काम करती हैं। तो आजकल वो एक सक्सेसफुल वुमेन है, अपना बिजनेस भी करती हैं, यूट्यूब का भी काम संभालती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, घर का भी काम करती हैं, सब कुछ करती हैं और बहुत बड़ा उनका नाम है यूट्यूब पे। बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं एक तरह से कहा जाए, और बहुत अच्छा भी लगता है। बहुत सारे लोग उनके चैनल को देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, मैं भी कमेंट करती हूँ कभी कभार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमने सही पूछा जाए तो हमने उन्हीं को देख के अपने चैनल बनाया था, बिल्कुल सेम जैसे जिस तरह से काम वगैरह करती हैं। हमने भी सोचा था कि हम चैनल बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से कोई औरत अपने घर में बैठ के अपने बच्चों को संभालते हुए, घर को देखते हुए और पैसा कमाती है, तो भी बहुत अच्छा लगता है देख के। तो उनके बारे में जितना कहें कम है। बहुत अच्छा लगता है उनकी वीडियो भी और जिस तरह से काम करती हैं। आजकल उनका दो चैनल चल रहा है, एक चैनल पे वो अपने सूट वगैरह दिखाती हैं, मतलब बिजनेस का काम करती हैं, ऑनलाइन बिजनेस है, और दूसरा चैनल उनका पहले से है देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा के नाम से। तो अब चलते हैं, कुछ अपने बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोगों से सबसे पहले कहना चाहेंगे, आप लोग हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन और सब्सक्राइब करना चैनल बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आप लोग हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो आप लोगों से हम विनम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग ऐसा जरूर करें, हमारी वीडियो को आगे तक ले जाएं ताकि हम भी कुछ कर सके यूट्यूब से। पहले तो हमें कुछ भी नहीं आता था यूट्यूब के बारे में। जैसे हमने चैनल बनाया तो काफी सारी वीडियो पर हमारी कॉपीराइट आई थी, क्योंकि हमने उसमें म्यूजिक ऐड कर दिया था। कुछ भी नहीं पता था यूट्यूब के बारे में, बस एक सनक सी सवार हो गई थी कि मुझे यूट्यूब बनाना है, तो हमने अपना यूट्यूब बना लिया था। काफी सारी हमने वीडियो डिलीट कर दिया कि जब कॉपीराइट आया था उसके बाद पता चला कि चैनल मोनोटाइज नहीं होगा। तो काफी ज्यादा संघर्ष हमने किया है अपने चैनल पे। सबसे पहले हमने 1000 सब्सक्राइबर जो है, 1000 सब्सक्राइबर हुए हमारे चैनल पे। पहले होता था कि 1000 सब्सक्राइबर और 2,40,000 मिनट जरूरी होते हैं, तो वो दोनों काम हमने किया, सब्सक्राइबर भी हो गए और मिनट भी हो गया। ये सब हमारी मेहनत का नतीजा था, जो हमने सब्सक्राइबर भी 1000 हुए और 2,40,000 मिनट भी हुआ, तो सब हमारी मेहनत से हुआ। उसके बाद मन में ये था कि चैनल मोनोटाइज होगा कि नहीं होगा। एक अजीब सा डर होता है चैनल को लेके, जब हम कोई जैसे जानवर ही पाल लेते हैं तो उसको भी लेके हमारे मन में होता है कि ये हमारा है, मतलब लाड प्यार करते हैं। वैसे भी हमारा चैनल है, हम इसको जो है अपनी मेहनत से बनाते हैं, एक एक वीडियो डालते हैं। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत होती है। जब हम कोई काम करते हैं तो कैमरा उस तरफ से सेट करना होता है ताकि उस चीज की हम वीडियो बना सकें। जगह जगह कैमरा लेके जाना पड़ता है तब जाके वीडियो बनती है। वीडियो बनाना फिर भी आसान है, लेकिन उससे ज्यादा कठिन काम होता है वीडियो की एडिटिंग करना। और ये सब काम करना एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसे घर भी संभालना होता है, खाना भी बनाना होता है, प्लस यूट्यूब अगर अपने चैनल बनाया है तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है। जिस तरह से हम जैसी हाउसवाइफ हैं, तो खाना से लेके घर का काम, उसके बाद बच्चों का जो भी रहता है होमवर्क वगैरह का, पढ़ाई का, उसको लेके और फिर अपने चैनल को लेके काफी ज्यादा संघर्ष करती हैं। चैनल बनाना आसान होता है, लेकिन उसको आगे लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। और अपने चैनल में हम बहुत कम ही इधर उधर की वीडियो दिखा पाते हैं, ना तो हम मार्केट जाते हैं ना तो कहीं जाते हैं। मार्केट ना जाने का रीजन ये है कि हमारे पास दो बच्चे हैं और बाइक है एक। अगर एक बाइक पे चार लोग जाएंगे तो चालान कट जाएगा, जिसकी वजह से हम बाहर भी नहीं जा पाते। अब हमारे पास फोर व्हीलर तो है नहीं कि उस पे बैठ के हम लोग मार्केट जाएं, आप लोगों को वहां की सारी चीजें, सारी जो भी होता है दिखाएं। तो हमारे घर का जो भी बाहर का काम होता है हस्बैंड ही करते हैं, वही निपटाते हैं। मैं कभी भी बाजार नहीं जाती, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ कोई भी बाजार वगैरह की वीडियो नहीं शेयर कर सकती हूँ। और थ्रेडिंग बनवाने हम लास्ट बार फरवरी में गए थे जब भाई की शादी थी, तब से हमने थ्रेडिंग भी बनवाने नहीं। मेरा कहने का मतलब है, बाजार हम बहुत कम ही जाते हैं। जब कुछ बहुत
खरीदना होगा बेटी के लिए कपड़े वगैरह या अपने लिए खुद के लिए खरीदना होता तभी जाती हूँ। अगर बेटे के लिए और इनके लिए कपड़े खरीदना होता तो बेटे के लिए यही खरीद देते हैं। सिर्फ बोलते हैं कि तुम अपने लिए और अपनी बिटिया के लिए ही खरीद लो और गोलू के लिए हम खरीदेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम बहुत कम ही बाजार जाते हैं जिसकी वजह से आप लोगों की वहां की वीडियो नहीं दिखा पाते। और घर में बहुत कुछ ज्यादा नहीं है जो आप लोगों के साथ को दिखाए, ना फोर व्हीलर है ना बहुत अच्छा घर है 4-6-10 कमरों वाला कि आप लोगों के साथ शेयर करें। बस शेयर कर सकते हैं तो अपने किचन में हम क्या करते हैं, आप लोगों से थोड़ी बहुत बात भी कर लेते हैं, बस यही शेयर कर पाते हैं। और ज्यादा हमारे पास वैसे कुछ सामान नहीं है, बस जरूरत की सामान है जैसे फ्रिज है और मिक्सर ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है जो अब आजकल बिगड़ चुकी है 2-3 महीनों से, तो उसका जो है खराब हो चुका है टीवी, तो एंटरटेनमेंट नहीं हो पा रहा है बच्चों का। देखते हैं टीवी कब आएगी, हो सकेगा दिवाली में कुछ छूट वगैरह आएगी तो लेंगे टीवी। और पानी हमारे पास आरओ नहीं है, हम नॉर्मल पानी टोटी का पानी पीते हैं, हैंडपाइप का पानी पीते हैं। तो ये सब कुछ अपने बारे में आप लोगों को जो है बताया है, आई होप आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। तो हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे जनता डिसाइड करती है कि हमें अपना नेता किसको चुनना है तो वोट देके उसे नेता चुनती है, यूट्यूब उसी तरह से है। ऑडियंस जिसको चाहेगी ऊपर ले जाएगी, ऑडियंस जिसको चाहेगी नीचे लाएगी। तो मैं ऑडियंस से कहना चाहूंगी, मुझे अंग्रेजी तो नहीं आती लेकिन कोशिश कर रही हूं, मैं जनता से कहना चाहूंगी प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के कहना चाहूंगी कि आप लोग हमारे चैनल को एक बार जरूर ले जाएं। महीने का मैं 1-2 लाख नहीं कमाना चाहती हूं, महीने का बस $100 बन जाए, 7,000 रुपए मिल जाए, यही हमारे लिए बहुत काफी है। तो आप लोगों से फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।